लवकुशनगर में नगर परिषद की सीएमओ शीतल भलावी द्वारा जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। ये शिविर वार्ड क्रमांक 1 विधायक कॉलोनी में लगाया गया, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इसके अलावा साफ सफाई के इंतजाम भी देखे गए। सीएमओ शीतल भलावी ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ वार्ड की गलियों में घूमकर साफ सफाई देखी और जिन स्थानों पर गंदगी पाई गई वहां तुरंत सफाई करवाई गई। साथ ही लोगों से समस्याएं पूछी गईं, नालियों की सफाई, खराब स्ट्रीट लाइट, वार्ड की गलियों में झाड़ू लगवाने, नालियों में दवा छिड़कवाना जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान भी करवाया गया। साथ ही संपत्ति कर और जल कर को भी वार्ड में उक्त कैंप के द्वारा जमा कराया गया, ताकि लोगों को नगर परिषद कार्यालय में न भटकना पड़े। जो भी बेसिक समस्याएं जो लोगों को होती है, जैसे सफाई, पानी, जैसे नाली सफाई जैसे नहीं हो पाती, या और भी इलेक्ट्रिसिटी, वो बेसिक जो समस्याएं हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो तुरंत हो सकती हैं। और ये जो कैंप है 31 दिसंबर तक के चलेगा, 15 डेज। तो क्या हर वार्ड में ये कैंप लगाया जाएगा? हाँ जी, हर वार्ड में ये कैंप लगाया जाएगा। कैंप लगाने की आवश्यकता क्यों हुई है? एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी जो नागरिक हैं वो हमारे पास तक के आ नहीं पाते, तो हम ये चाह रहे थे कि हम उनके पास पहुंच के उनकी बेसिक जरूरतों को फुलफिल कर सकें। इस कैंप में किन किन कार्यों को जो है तुरंत निदान किया जा रहा है? जैसे सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, नालों की सफाई, इन कामों को हम तुरंत करवा सकते हैं।